हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो आप हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, छ, त्र और य, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपका संयुक्त व्यंजन, उसमें व्यंजन, तवर्गीय व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक तत्सम शब्द है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा फूल कौन सा संज्ञा है? तो फूल एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। ओके, तीसरा अगला क्वेश्चन है हमारा गोल विशेषण है, किस टाइप का विशेषण है ये? यह गुणवाचक है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? तो आपको पता है कि जिस भी वाक्य के अंत में थ अक्षर आता है वो होता है पास्ट। पास्ट यानी कि बोले तो भूतकाल। जिस भी वाक्य के अर्थ में ह अक्षर आता है वो होता है आपका वर्तमान काल। जिस भी वाक्य के अंत में ग अक्षर आता है वो होता है आपका भविष्यत काल। तो इसमें आपका ह है जिसकी वजह से इसका जो पूरा काल होगा वो हो जाएगा वर्तमान काल। ठीक है, जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओह यह पिट गया कौन सा वाक्य है? यह एक प्रकार का विस्मयवाचक शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा है? देखिए एकत्र भी सही है, नीरस भी सही है, योगी राज भी सही है। इसका जो गलत शब्द है वो है हमारा मंत्रिमंडल। ओके, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आग का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? वायु सखा भी आग का पर्यायवाची शब्द है, भूताशन भी आग का पर्यायवाची शब्द है, विभावशु भी पर्यायवाची शब्द है, विथगा ही आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब कि ये ऑप्शन आपका सही है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका मिलता है कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग आपका इंद्राणी है, इंद्राणी। ओके, अगला हमारा जैसे कि गाय के लिए बछड़ा वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा? तो ये तो रीजनिंग का टाइप का है, इसमें आपका हो जाएगा मेमना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा पोशाक दर्जी से रिलेटेड है तो बढ़ई से क्या होगा? तो बढ़ई के लिए हमारा फर्नीचर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित शब्द से विषम शब्द चूज कीजिए। देखिए पत्र जो लेटर होता है हम लोग लिखते हैं, बाई पोस्ट कर सकते हैं जो कि ऑफलाइन है, मनी ऑर्डर भी आपका ऑफलाइन है, ऑनलाइन आपका मिलता है SMS जिसको हम डायरेक्ट कहीं भी भेज सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है आपके लिए सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी और डी का संबंध क्या है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सास। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है यदि एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर और नीचे से 49वें स्थान पर बैठा है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? इसका जो सही आंसर है वो है 64। ओके, जो अगला क्वेश्चन है हमारा यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? आगामी परसों के बाद तीसरा दिन भी आपका शुक्रवार ही होगा।
इसमें दिया है एक मैदान में कुल कुछ बत्तख और बकरे हैं, कुल मिलाकर के 77 शेर हैं, 226 पैर हैं, तो बत्तखों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 42। ओके, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है पी टी का पिता है, टी एम की पुत्री है, एम के की पुत्री है, तो पी और के का संबंध क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है दामाद। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि नोट को पी क्यू वी जी लिखा जाता है तो टैन को कैसे लिखा जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो है वी के ओ जी, वी के ओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन है आपका, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो आंसुओं में आपका साधारण नमक घुला होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो रडार में आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही होगा इसका। सूती और ऊनी रेशों में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग? तो उसे जला करके अंतर ज्ञात कर सकते हैं। ऊनी कपड़ा कुछ अलग टाइप का चलता है और सूती कपड़ा अलग टाइप का चलता है। बर्फ का दाब बढ़ने पे उसका गलनांक घटेगा या बढ़ेगा, या अपवर्तित होगा रहेगा या शून्य हो जाएगा? देखिए अपरिवर्तित तो नहीं ये होगा कि तो घटेगा या तो बढ़ेगा, इसका जो सही आंसर है वो घटना है। ओके, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ठीक है, क्योंकि ये उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। ओके, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो यह लगभग सभी को पता है कि संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होती है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है कैल्शियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय होते समय व डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है प्रकिरण के कारण। ओके, भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस भूगोल के जनक हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ओके, जो अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 पाई जाती है। ठीक है, जो आपका अगला क्वेश्चन है, यह निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य खुद एक तारा है, पृथ्वी सूर्य की ग्रह है, शुक्र सूर्य का ग्रह है, और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लेता है? ओके, सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट्स का वक्त लेता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम शाहनी ने की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने? मुर्शिद कुली खान ने। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त समाज की स्थापना किसने की? तो गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? माइकल फेल्प्स तैराकी से संबंधित है। ओके,
अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार को 1961 ईस्वी में शुरू किया गया था। ओके, अगला प्रश्न है आपका, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में है? तो पोलो खेल का प्रचलन भारत के मणिपुर राज्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट खेल के जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय अवधि 90 मिनट की होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो मुक्केबाजी का जो खेल परिसर होता है वो रिंग के नाम से जाना जाता है, रिंग के नाम से उसे जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ओलंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ओके, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है 20.12 मीटर होती है। ओके, तो नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान समय में आपको पता है कि 28 राज्य हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो आपको पता है कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नैसारी सुरंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम IPS महिला कौन थी? तो भारत की प्रथम IPS महिला किरण वेदी थी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली राज्यपाल महिला कौन थी? ओके, तो जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? तो यह सबसे पहले 1913 में निर्मित हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेतो कृपलानी बनी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:1
दो होता है। अगला क्वेश्चन है, असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बैबेज हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल विवेक एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो यह कुशीनगर में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप को अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसका नारा है? यह नारा सुभाष चंद्र बोस का है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निर्मल भारत योजना कब आई? तो निर्मल भारत योजना 1999 में आई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है कि वरेसियस का अपोजिट मतलब विलोम क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा? तो इसका जो होता है आंसर वो होता है रेवेन्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अप्रोटियो का एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से करेक्ट वर्ड आपको छांटना है, इसमें से करेक्ट क्या है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका करेक्ट वर्ड है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है सेलेक्ट करेक्ट वर्ड, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है अग्रेसिव, अग्रेसिव। ओके, इसका भी ऑप्शन सी सही है, अग्रेसिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल, इसमें कौन सा सही है, बेसिक का प्लूरल कौन सा सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो है बेसेस। नेक्स्ट है, फ्लावर का प्लूरल्स क्या होगा? तो फ्लावर्स हो जाएगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, सुगोगान्या गोट -- एज एन ऑफिसर इज इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अपॉइंटेड, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द प्रॉपर परफिक्स ऑफ एडिटर, इसका जो सही आंसर है वो है शब्द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताना है कि राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू जबलपुर, इसका जो सही आंसर है वो है राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू जबलपुर, पहला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया सेड टू हिम यू कैन डू दिस वर्क, इसका जो सही आंसर है वो है माया टोल्ड हिम दैट ही कुड डू दैट वर्क। ओके,